नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे अगर आपका कोई उबंटु सिस्टम है और उसमें आपका कोई डाटा डिलीट हो चुका है, उसके बाद आप उसको क्या कहते हैं रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर चुके हैं, तो उसके बाद आप उसको रिकवर कैसे करें। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, टेस्ट डिस्क, और ये इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जितना कॉन्फ़िगरेशन देता है, जितने सारे सेटिंग्स हैं, उतना कोई और नहीं देता। और कई बार दूसरे सॉफ्टवेयर काम नहीं करते हैं, लेकिन टेस्ट डिस्क जनरली हर बार काम करता है। तो चलिए टर्मिनल पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पहले आपको करना ये है कि टर्मिनल खोलना है, टर्मिनल खोल लेना है, और उसके बाद आपको कुछ कमांड टाइप करना है। अभी हम आपको बताते हैं। आपको टर्मिनल खोलने के बाद आपको जो है सो टेस्ट डिस्क इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आप करेंगे sudo, एक मिनट, apt/get install test disk, उसके बाद एंटर मारिए। उसके बाद कभी कभी पासवर्ड मांगेगा, लेकिन मैं ऑलरेडी सुपर यूज़र में हूँ तो ये पासवर्ड नहीं मांगा। और देख सकते हैं आपकी बिल्डिंग डिपेंडेंसी डन टेस्ट डिस्क इज ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन। अगर आप में नहीं होगा तो इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, उसके बाद आपको यस वाई अगर आपको करना है तो वाई लिख के उसके बाद टाइप करके जो भी हो, और उसके बाद एंटर मारिएगा तो टेस्ट डिस्क इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको रन करना है, तो रन करने के लिए सिंपल सा टाइप कीजिए TESTDISK टेस्ट डिस्क और इंटर मारिए। क्या बोला, टेस्ट डिस्क नीड 24 लाइंस टू वर्क, प्लीज़ इनलार्ज टर्मिनल। ओके, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा अभी फिक्स कर देते हैं, इसका प्रॉब्लम अभी फिक्स हो जाएगा। रुक जाइए एक मिनट, आप तो टर्मिनल इनलार्ज करने के लिए बोल रहा था। अब हम फिर से रन करेंगे वही कमांड TESTDISK टेस्ट डिस्क, खुल गया। और उसके बाद आपको सीधे क्रिएट, अगर आप नया लॉग फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो लॉग फाइल पे क्रिएट कीजिए, और नो लॉग अगर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर कुछ रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो नो लॉग पे क्लिक कीजिए, और अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू लॉग फाइल पे क्लिक कीजिए। जनरली हम नो लॉग क्रिएट करेंगे, इंटर मारेंगे, उसके बाद डिस्क आपका आएगा। जो डिस्क है देख सकते हैं SDA 1000 GB, और जिसमें से कि 931 GB है, यानी कि 1 TB का है हार्ड ड्राइव। मेरे में सिंगल हार्ड ड्राइव है, तो उसके प्रोसीड देखिए, जो राइट और लेफ़्ट की है इससे आप राइट लेफ़्ट करेंगे, उसके बाद आपको अगर वापस जाना है तो क्विट पे क्लिक करेंगे, और प्रोसीड करना है तो प्रोसीड पे ला के एंटर मारेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा। तो जनरली जो है आप देख सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा सेलेक्ट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, इंटेल सेलेक्ट करना है या EFI GPT सेलेक्ट करना है। सभी में सेलेक्ट कीजिएगा तो सेम मेनू में ही जाइएगा, जैसे कि इंटेल सेलेक्ट किए तो देखिए सेम एनालाइज एडवांस ज्योमेट्री सेटिंग MBR कोड यही सब आया, क्विट करेंगे और फिर डिस्क में, और EFI में GPT पे करेंगे तो वही आया। तो जनरली जो है सो ये हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है कि आपको जो है सो मतलब कौन सा सेलेक्ट करना है। जनरली जो है यहाँ पे आप एक हिंट देखेंगे जिसमें EFI GPT लिखा हुआ है, इसका मतलब इस कंप्यूटर के लिए EFI GPT बेस्ट है और इसी के लिए आपको जो है सो यही चूज करना है। आपके कंप्यूटर में हो सकता है इंटेल सेलेक्ट करने के लिए बोला होगा, हुमेक्स या मैक नन, तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में जो भी बोले, यहाँ जो भी लिखा हो यहाँ पे हिंट के पास, उसी पे आपको सेलेक्ट करना है। जनरली वो पहले से सेलेक्ट होता है, मेरे में EFI GPT बोल रहा है तो EFI GPT पे क्लिक करेंगे, इंटर मारेंगे, उसके बाद एनालाइज एडवांस ज्योमेट्री क्या कहते हैं ऑप्शन क्यूट आ गया, तो आपको कुछ भी क्लिक करने से मतलब आपको ध्यान नहीं देना है उतना, आपको सीधे एडवांस पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये देखिए पार्टीशन आ गया, तो EFI पार्टीशन सिस्टम, पार्टीशन MS डाटा, ये सभी सिस्टम है, और लिनक्स 100 पार्टीशन है।
और अननोन अननोन मेरा जो है सो वो पार्टीशन है जो कि जनरली जिसमें सिस्टम इंस्टॉल है, जिसमें सारा डाटा इंस्टॉल है, म्यूज़िक वीडियोज़ मूवीज़ ये सब इंस्टॉल है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे लेफ़्ट राइट जो करते हैं, यहाँ पे टाइप है, इमेज क्रिएशन है, क्यूट है, यहाँ पे एक और चीज़ आना चाहिए जो कि अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इस यहाँ पे एक और चीज़ आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। और कई बार अगर आप किसी भी YouTube वीडियो में देखेंगे तो वो चीज़ जनरली सब में होता है लेकिन मेरे में नहीं आ रहा है। तो अब हमको उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब यह हार्ड डिस्क किस टाइप का है वो हमको सेलेक्ट करना है। तो आपको अगर आपको जानना है कि किस टाइप का आपका हार्ड डिस्क है तो आपको जो है सो इसके लिए आपको हार्ड डिस्क मैनेजर खोलना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी हम आपको दिखाते हैं, अगर उबुंटू इस टाइप का है उबुंटू, तो उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क टाइप करना है, डिस्क, और यहाँ पर डिस्क पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बताएगा हार्ड ड्राइव कौन सा है, ये दिख रहा है 1 TB हार्ड ड्राइव है टोशिबा का, और ये 4 पार्टीशन, यही पार्टीशन है जिसमें सारा डाटा इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्टीशन है लिनक्स फाइल सिस्टम, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है लिनक्स फाइल सिस्टम पहले जाके, तो यहाँ पे लिनक्स फाइल सिस्टम है नहीं कहीं पे, तो लिनक्स रिजल्ट पे जाके प्रोसीड कर देंगे हम। और उसके बाद आपको नेक्स्ट सेलेक्ट करना है, आपको फिर वही जाइए डिस्क मैनेजर में, क्या बोलते हैं कहाँ गया, डिस्क मैनेजर में जाइए और आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा EXT वर्जन 4.1। तो यहाँ पे कंटेंट्स में आपका जो भी लिखा है, जैसे ये फैट है 32 बिट है, फैट 32 बिट है, उबुंटू, तो जिस पार्टीशन को सेलेक्ट किए वो मेरा EXT4 है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपको वही जो है सो जाके वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या था मेरा EXT4 था क्या, भूल गए, रुक जाइए अभी चेक कर लेते हैं। EXT4 था, हाँ, तो EXT4 पे जाना है आपको, और उसके बाद मतलब आपका जो भी हो उस पे जाना है, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहले टाइप और इमेज क्रिएशन था, उसके जगह दो चीज़ और आ गया है, सुपर ब्लॉक और लिस्ट, ये दोनों आ गया है। तो यही दोनों लाने के लिए आपको जो है सो इतना झमेला करना पड़ा था। जनरली ये बहुत सारे कंप्यूटर में आ जाता है, बहुत सारे कंप्यूटर में नहीं आता है, और हमको बहुत समय लग गया ये फिक्स आउट करने में कि कैसे होगा। तो आपको लिस्ट पे क्लिक करना है, और लिस्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका सारा का सारा जो है डायरेक्टली खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे ये वाला, ये जो रेड कलर का है ये डिलीट किया हुआ है, यानी कि ये डिलीटेड है, इसको हम रिकवर कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन हमको इसको रिकवर करना नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। और हम वीडियो फाइल में चलते हैं, जैसे कि वीडियो फाइल में जाने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा यार, मीडिया में ही, उसके बाद उत्सव में, उत्सव यूज़र नेम है, और यहाँ देख सकते हैं कि उत्सव 1 OS क्या है यार, नहीं यार ये थोड़ा गलत पार्टीशन हो गया, इसको बैक करने करते हैं। अच्छा हाँ, होम में ही होता है सारा फाइल, तो होम में आ गया, उसके बाद उत्सव यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिए और आ गया देखिए सारा। तो इसमें से जो भी डिलीटेड होगा ना, तो देखिए ये जैसे कि ये डिलीटेड किया गया था, ये जो भी फाइल है डिलीट किया गया है अपने, या तो सिस्टम डिलीट किया या हम डिलीट किए, तो वहाँ दिख जाएगा। अब हमको यहाँ पर वीडियो ढूंढना है, देखिए वीडियो मिल गया, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे वीडियोज़ हम डिलीट कर चुके हैं, ये MKV फाइल सब, अगर हम इसको चाहें तो रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए सिंपल सा करना है, जो फाइल आपको रिकवर करना है उस पर जाइए और सी दबाइए। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं कि आपको अब उस डायरेक्टरी पर जाना है जहाँ पे आपको फाइल सेव करना है, डेस्टिनेशन। तो कोई भी डेस्टिनेशन, जैसे डाउनलोड में करना है तो डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड पे ले जाइए और सी दबा दीजिए, इसके बाद वो फाइल वहाँ कॉपी हो जाएगा। हम आपको करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये जो फाइल कॉपी करता है उसके बाद उस फाइल को डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार वो फाइल कॉपी हो गया तो आपका डेटा तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन एक ऐसे फोल्डर में रिकवर होगा जिसको डिलीट नहीं किया सकता, और उसको डिलीट करने के लिए बड़ा झमेला होता है। तो उसके लिए बहुत झमेला होता है, कहने का मतलब डिलीट तो हो जाता है लेकिन झमेला होता है। तो उसको आप YouTube वीडियो देख के कहीं और से आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे तो उसके बाद जो है सो हमको कुछ और कमांड रन करना पड़ेगा उसको डिलीट करने के लिए।
तो ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए हम आपको यहीं तक दिखा दिए हैं। तो आपको जो है सो सिंपली वही करना है जो हम आपको बता चुके हैं। अभी हम इसको क्यूट करेंगे, क्यू के लिए क्यू दबाना है और हम वापस आ गए उसी जगह। और आप देख सकते हैं कि अब हम क्विट कर दिए हैं और फिर क्विट कर दिए हैं और फिर क्विट कर दिए हैं और वापस आ गए हम अपने टर्मिनल में। तो इसी तरीके से आप डाटा रिकवर कर सकते हैं। और ये पूरा है, ये 100% काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो भी दिक्कत आता है जनरली वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जैसे कि वो जनरली शो नहीं करते रहता है, उसको कैसे लाना चाहिए वो मैंने आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।